ज्यादा एक्शन कहां पर है? मिडकैप का मेगा एक्शन यह आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे तीन तस्वीरें, जहां पर आपको पता चल जाएगा कि कहां पर भारी गिरावट या फिर बड़ी तेजी कहां पर हो रही है। एंजल वन का शेयर आज बड़ी तेजी के साथ कारोबार कर रहा है, बढ़िया इसमें मजबूती है, ब्रोकरेजेस में स्टैंड आउट कर रहा है और वजह इसकी है कि इसको लेकर ब्रोकरेजेस बुलिश है। इन्वेस्टर ने खरीदारी की राय दी है और लक्ष्य दिया है 3000 रुपए का एंजल वन के लिए। एंजल वन लोअर लेवल से रिकवर करने की ये कोशिश कर रहा है पिछले 3 से 4 सत्र में, क्योंकि अगर आप साल की शुरुआत देखेंगे तो ऑलरेडी हाईस पर की थी एंजल वन ने, लेकिन उसके बाद इसमें लगातार प्रॉफिट टेकिंग आई थी और फिर से अब संभल कर तेजी दिखाने के लिए तैयार खड़ा है ये। एक और शेयर अगर आप देखेंगे अशोका बिल्डकॉन, यहां पर बढ़िया तेजी है, 3 नए ऑर्डर से कंपनी के शेयर में आज हमें मजबूती देखने को मिल रही है और इनसे इनको MMRDA से 1737 करोड़ के 3 ऑर्डर मिले हैं। लेकिन टीटागढ़ रेल आज हम देख रहे हैं कि इसमें प्रेशर है, सरकार ने ऑर्डर की वैल्यू घटाकर 7300 करोड़ रुपए की है और ये वैल्यू घटाने से हम देख रहे हैं कि इन पर आज हमें प्रेशर देखने को मिला। आज खबरों के दम पर मिडकैप में कहां पर एक्शन है, क्या कुछ अच्छी खबरें आई हैं, कुछ शेयर चढ़ भी रहे हैं, ये जरा चेक कर लेते हैं और गेनर्स और टॉप लूजर्स आज कौन से हैं इस स्पेस में, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी जिने नागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जिने बताइए कहां पर एक्शन है और खबरें कौन सी हैं आज? जी तो खबरों के दम पे बात करेंगे तो पहले एलेम्बिक फार्मा फोकस में रहेगा। कंपनी को USFDA द्वारा एक फाइनल अप्रूवल मिल गया है अपने एक एक्सटेंडेड टेबलेट को रिलीज़ करने के लिए और इसका टोटल मार्केट साइज़ देखेंगे तो 163 मिलियन $ निकल कर आ रहा है। दूसरा स्टॉक जिस पे फोकस रहेगा वो होगा ITD सीमेंटेशन। कंपनी को नया ऑर्डर मिला है और ये टोटल ऑर्डर साइज़ है 1937 करोड़, बड़ा ऑर्डर है और ये कंस्ट्रक्शन के लिए है, मल्टी स्टोर्ड कमर्शियल बिल्डिंग्स उत्तर प्रदेश के लिए। तीसरा स्टॉक जो फोकस में रहेगा खबरों के दम पर वो होगा भारत फोर्ज। कंपनी कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स और एक US बेस्ड AM जनरल एंड मेंडेस ग्रुप है, दोनों ने साथ में करार किया है। दोनों ही कंपनी मिलकर को डेवलप और को प्रोड्यूस करेगी नेक्स्ट जनरेशन आर्टिलरी परफॉर्मेंस सिस्टम्स के लिए। इसी के साथ अगर अभी हम नज़र डालें कि कौन से शेयर्स हैं जिन्हों में हमें तेज़ी नज़र आ रही है तो उसमें हमें शेयर्स देखने मिलेंगे जैसे कि BSE, पेट्रोनेट, PTM, KPIT टेक्नोलॉजी और हिंदुस्तान जिंक जैसे शेयर्स। वहीं अगर हम लूजर्स की तरफ अब नज़र डालेंगे तो वहाँ हमें शेयर्स नज़र आएंगे जैसे कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम, फिनिक्स मिल्स, पर्सिस्टेंट सिस्टम्स, GMR एयरपोर्ट और जुबिलेंट फूडवर्क्स। कि ये कुछ तेज़ी वाले कुछ गिरने वाले शेयर हैं, इनके बारे में क्या करके हम व्यू लेंगे। लेकिन जो खबरें बताई जो जिन्होंने, अब ITD सीमेंटेशन पे क्या राय ले, 20% ऑलरेडी ऊपर है, ये रिकॉर्ड हाइस पर ट्रेड कर ही रहा है, इसको छोड़ देते हैं। 1937 करोड़ का ऑर्डर मिला है, 20% के सर्किट पर जाके ये शेयर हो गया है लॉक, आपको दिख रहा होगा इस वक्त, एक ही दिन में 100 रुपये कमा के दे दिए अपने निवेशकों को। लेकिन एलेम्बिक फार्मा पर ज़रूर व्यू लेंगे आपसे रचना जी, क्योंकि इनको जो USFDA से लेमोट्राइजीन एक इनकी दवा है उसको अंतिम मंजूरी मिली है और इसे $163 मिलियन की आय होगी, तो एक बढ़िया इनके लिए डेवलपमेंट। हालांकि हम ये देख रहे हैं कि शेयर जहां से गिरा था यही 1250 रुपये के भाव से ये गिरा था और अब फिर से हाल की तेजी में उस स्तर को रिगेन कर लिया है एलेम्बिक फार्मा ने। क्या आपको लगता है कि ये रिकवरी वाला प्ले अभी लंबा चलेगा एलेम्बिक फार्मा में और नया ट्रेड लें या फिर जिनके पास है वो ट्रेड में स्टॉप लॉस ऊपर करके बने रहे? जी एलेम्बिक फार्मा की जहां तक बात है, अगर आप मीडियम टर्म प्लेयर भी है, कुछ हफ्तों से लेके कुछ महीनों तक भी अगर होल्ड करने में बिलीव करते हैं, देन देयर इज एन अपॉर्चुनिटी ओवर हियर फॉर यू। यहां पे पुल बैक में बाइंग करेंगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल और हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं भी वेट करें और अगर 1250 के आसपास भी एंट्री करें तो 1230 के नीचे ऐसा लगाना होगा आपको। एंड इस पोजीशन को कैरी अगर आप करेंगे 1275-80 एंड उसके बाद 1320 की तरफ ये काउंटर हमें आने वाले महीनों में से 3 to 4 months में जाता हुआ दिखाई देना चाहिए। तो अगर आप 3 to 4 months का भी होल्डिंग नजरिया रखते हैं तो एक यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपके लिए जरूर बनती है। ठीक है, 1330 तक के लेवल आपके लिए एलेम्बिक फार्मा में आ सकते हैं। ऑयल एंड गैस का एक और शेयर पेट्रोनेट LNG, जहां पर बहुत ही शानदार मूव से हमने देखा कि 325 रुपये के आसपास आकर इसकी गिरावट थमी और उसके बाद से इसमें लगातार तेजी, अगर आप पिछले 7-8 सत्र का इसमें ट्रेड देखेंगे ना तो इक्का दोका छोड़ के ये शेयर लगातार चला है और अब 362 रुपये का भाव आपको देखने को मिलेगा। पेट्रोनेट LNG रचना जी क्या करना चाहिए, क्या मौका इसमें चूक गए या फिर आपको लगता है कि नहीं अभी भी स्टीम इसमें बाकी है?
देखिए इसमें स्टीम जरूर बाकी है अभी, एंड ये काउंटर जो है 375 से 80 तक जा सकता है, लेकिन अगर आपको बेस्ट एंट्री की बात है तो पिछले 2-3-4 दिनों में जहां से उसने मूवमेंट शुरू करी थी वहां पे आपको एक बेस्ट एंट्री मिल सकती थी। नेवरदलेस अगर आप बने हुए हैं इसमें पहले से तो 350 के नीचे SL लगा दीजिए और पोजिशन को होल्ड करिए, और 375 एंड 80 के टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, 380 के टारगेट आप पेट्रोनेट एलएनजी में रख के चल सकते हैं। पेटीएम लेके आइए स्क्रीन पर। पेटीएम भी आज उन शेयरों में शामिल है जहां पर तेजी है, और देखिए नेगेटिव माहौल में अगर पेटीएम जैसे शेयर चले ना, इसका मतलब यह है कि नहीं, वाकई अंदर में स्ट्रेंथ है, चीजें सुधर रही हैं। आरबीआई के एलिगेशंस, पेटीएम पेमेंट बैंक को लेकर नेगेटिव माहौल, उसके तमाम कह सकते हैं कि बुरी खबरों के बीच में शेयर टूट के 310 रुपये का हो जाना, और वहां से ये जो जर्नी है फिर से 750 रुपये के ऊपर आज इंट्राडे में निकलना, ये दिखाता है कि नहीं, स्ट्रेंथ बाकी है, और जिन्होंने कन्विक्शन दिखाया उनको रिवॉर्ड किया इस शेयर ने। पेटीएम 750 के भाव पर आपको इसका स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है रचना जी? पेटीएम में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? जिन्होंने पैसे बनाए वो तो खैर अब हमारी सलाह के शायद उनको दरकार नहीं होगी कि अच्छा 300 वाले लोगों को क्या करना चाहिए, वो शायद प्रॉफिट टेकिंग कर भी रहे होंगे अपने अपने लेवल पर, लेकिन अभी इसमें आपको कितनी स्ट्रेंथ दिख रही है? देखिए पेटीएम में बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने एक्चुअली 400 के आसपास तो एंट्री बना पाए होंगे, लेकिन नेवरदलेस वो जब तक 5550 तक पहुंच गया था तब तक वो न्यूज में भी अपनी झलक दिखाने लग गया था, तो दोज वर द टाइम्स जब बेस्ट एंट्री बनती थी। एंड यस डेफिनेटली द स्टॉक हैज सरप्राइज मेनी पीपल, एंड यहाँ पे और अपसाइड में सरप्राइज बाकी हो सकता है जो इस काउंटर को अपसाइड पे 900 की तरफ भी आने वाले महीनों में ले जा सकता है। बट अगेन यहाँ पे व्यू आपका महीनों में होना चाहिए, घंटों में या दिनों में नहीं। तो इफ यू आर विलिंग टू होल्ड फॉर 3-4 मंथ्स तो आपको अभी 750 के करीब है, 950 तक का प्राइस इसमें देखने की उम्मीद है, 700 के नीचे इसमें SL होना चाहिए। एज अ डिस्क्लोजर आई ऑल्सो हैव दिस। ठीक है, 700 के नीचे स्टॉप लॉस आपका पेटीएम के लिए होना चाहिए ना। आज हम देख रहे हैं कि देखिए सिंपल सिंपल कोरिलेशन है, अगर आप OMCs देखेंगे यानी कि जो डाउनस्ट्रीम कंपनीज है, HPCL, BPCL, IOC, ये तमाम गिर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आशंका है। हालांकि अभी भी क्रूड को लेकर उतना तनाव नहीं है, $75 का ही भाव हुआ है, लेकिन टेंशन ये कि क्या ये भाव और बढ़ जाएंगे, क्योंकि अगर जितने बढ़ेंगे वो मार्जिन को हिट करेंगे इनके इन कंपनीज के। तो IOC, BPCL, HPCL ये सारे के सारे हाल फिलहाल रिकवर हो रहे थे, इनमें बताइए रचना जी कोई अभी भी आपको शॉर्टिंग का कैंडिडेट लगता है या फिर एक दिन की गिरावट के लिहाज से थोड़ा ज्यादा हो गया, अब छोड़ दें इसको? देखिए IOC को तो मैं शॉर्ट करने के लिए नहीं कहूंगी, एंड जहां तक हिंदपेट्रो वगैरह की बात है तो हिंदपेट्रो में आज अच्छी खासी गिरावट आई है, हमने देखी है, और यहाँ पे फर्दर गिरावट आ भी सकती है, बट देर इज अ सपोर्ट अराउंड 410, तो 419 पे है फिलहाल, 410 के आसपास उन लोगों को बुकआउट करना पड़ेगा जिन्होंने पहले शॉर्ट करके बैठे हैं। इवन इफ यू आर इनटू फ्यूचर तो 410 के नंबर को एज अ सपोर्ट ध्यान में रखना चाहिए इफ यू आर शॉर्ट, और यहाँ पे 10-15 रुपए की फर्दर गिरावट जरूर आ सकती है जिसके बाद एक हॉल्ट आएगा, एंड नॉट बिफोर दैट। ठीक है।